फाइनली दोस्तों इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक कल की 2898 एडी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपना फर्स्ट वीक खत्म कर दिया है और दोस्तों अपने सेकंड वीक में ये फिल्म आज एंट्री मार चुकी है। अपने सेकंड वीक के साथ ही दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर रही है ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं यहाँ पर इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी कल की 2898 एडी का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनने वाली कल की 2898 एडी इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है, जिसके लीड में आपको पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के साथ साथ अमिताभ बच्चन सर, दीपिका पादुकोण और कमल हसन नजर आए हैं। लगभग 650 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली ये फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते लगभग 6,500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और दुनिया भर में ये फिल्म 10,000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज की गई थी। नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म विजुअली काफी अच्छी मूवी है, जिसकी कहानी महाभारत के काल से 2898 तक के काल को दिखाती हुई है और यही वजह है दोस्तों कि इस साइंस फिक्शन फिल्म को इंडियन ऑडियंस की तरफ से और दुनिया भर की ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी में प्रभास की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी बन चुकी है। बाहुबली 2 के बाद दोस्तों उनकी आने वाली फिल्में साहो और सलार जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपए से बड़ी ओपनिंग ली। उसी तरह की शानदार ओपनिंग यहां पर फिल्म कल की 2898 एडी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में ली और दोस्तों इस फिल्म के भी अपने पहले ही दिन के कलेक्शन 24 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आए, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग्स दी। यही वजह है दोस्तों कि कल की 2898 एडी ने अपने शुरुआती 4 दिनों के वीकेंड में ही हिंदी में 115 करोड़ रुपए कमाए। बताते चले दोस्तों आपको कि अपने पहले ही दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 192 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ओपनिंग लेने वाली कल की 2898 एडी का 4 ही दिनों का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 555 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। यह फिल्म दोस्तों अपने प्री रिलीज बिजनेस में ही लगभग 400 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुकी थी और अपने 4 दिनों के कलेक्शंस के साथ ही दोस्तों ये फिल्म 555 करोड़ रुपए और कमा चुकी थी। दोस्तों इसी के साथ ये फिल्म लगभग 855 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी सिर्फ अपने मेकर्स के लिए कर चुकी थी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि ये फिल्म नॉर्थ अमेरिका में रुकने का नाम नहीं ले रही। इस फिल्म के दोस्तों सिर्फ अपने 9 दिनों के कलेक्शंस के साथ ही इस फिल्म ने RRR जैसी बड़ी फिल्म के रिकॉर्ड्स को तोड़ा, जो कि इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म है। RRR ने दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में अपने फुल फाइनल रन में 14.5 मिलियन डॉलर के आंकड़े को पार किया था, जबकि दोस्तों कल की 2898 एडी ने सिर्फ अपने 8 ही दिनों में 14 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर ली है। यह फिल्म दोस्तों आज अपने 9वें दिन के कलेक्शंस के साथ ही RRR को बीट करते हुए 14.7 मिलियन डॉलर के आंकड़े को आज पार कर रही है। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि ये फिल्म अपने शुरुआती 7 दिनों में 700 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। 8वें दिन के कलेक्शंस के साथ ही दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन 730 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। 8वें दिन के कलेक्शंस के साथ ही दोस्तों ये फिल्म 760 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी और अपने फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने बाहुबली 2 के 720 करोड़ रुपए के फर्स्ट वीक कलेक्शंस को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पीछे किया। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के आज यानी कि अपने 9वें दिन की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि हिंदी में इस फिल्म को आउटस्टैंडिंग रेस्पॉन्स आज भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। यह फिल्म दोस्तों हिंदी में आज अपने 9वें दिन भी एक बार फिर किल और कई सारी फिल्में रिलीज होने के बावजूद भी डबल डिजिट के आंकड़े को पार कर रही है और दोस्तों कल के इस फिल्म के कलेक्शंस जो 10 करोड़ 20 लाख थे उससे बेटर कमाई करते हुए यह फिल्म हिंदी में आज 11 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू रही है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म का आज दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन है वह एक बार फिर 35 से 40 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने वाला है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर आज 800 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होने वाली सबसे फास्ट फिल्म बन चुकी होगी और KGF चैप्टर 2 के 15 दिनों के कलेक्शंस को ये फिल्म पीछे कर चुकी होगी। इस फिल्म को दोस्तों जिस तरह का रेस्पॉन्स हिंदी में मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये फिल्म दोस्तों इस वीकेंड में ही हिंदी में 200 करोड़ रुपए की नेट कमाई कर लेगी, जबकि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का इस वीकेंड में जो कलेक्शन है वो लगभग 950 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कल की 2898 एडी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करेगी? क्या ये फिल्म 1300 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल होगी या फिर 1500 करोड़ के? हमें
अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।